हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और हम भी एकदम बढ़िया है। अभी तो मेरी आंखें भी नहीं खुल रही है, बट मैं इतना इंजॉय कर रही हूँ ना, ये धूप आ रही है। सर्दियों की धूप तो मुझे इतनी ज्यादा पसंद है। पहाड़ी लोगों को सर्दियों की धूप सेकना इतना पसंद है कि मैं बता नहीं सकती। और कनाडा में मैं ये सबसे ज्यादा मिस करती थी, इनफैक्ट खाने से ज्यादा मैं सनलाइट को मिस करती थी। सो मैंने सोचा आज व्लॉग भी यहीं से शुरू करते हैं। तो अभी ना हमने अपनी जो सेटिंग वेटिंग थी वो सारी ऑलमोस्ट हो ही गई है, फाइनल फेज पे हम पहुंच चुके हैं। आज सारा घर भी क्लीन हो जाएगा और उसी के साथ साथ आज हम करने वाले हैं सबको गिफ्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका जो जो चीजें हैं। और आप मेरी घड़ी भी देख सकते हैं, इसको मैं सुबह शाम पहन रखती हूँ। और दूसरा गिफ्ट मुझे ये अंगूठी मिली है जिसको मैं छोड़ नहीं रही हूँ, इतना अच्छा लग रहा है यार। तो फिर मैंने सोचा जब मुझे इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है अपनी चीजें देख देख के, तो आई गेस जिनके लिए हम लाए हैं चीजें उनको भी थोड़ी बहुत खुशी होगी हमारे गिफ्ट्स को देखकर। एंड आई विश उनको वो पसंद आए जो हम उनके लेके आए हैं, क्योंकि हम अपनी चॉइस का लेके आए हैं। पता नहीं उनको पसंद आता है कि नहीं आता है, बट फिलहाल जो थोड़ी मोटी चीजें रह गई है ना वो करते हैं और उसके बाद करूंगी मैं, क्योंकि मुझे इतनी खुशी हो रही है ना, घर फाइनली सारा सेट हो गया है, धूप आ रही है, वाव इट इज अ फीलिंग। तो अभी मैं करने वाली हूँ सामान। मैं शिवानी को ये बता रही थी मुझे इतनी ज्यादा खुशी है ना, मेरी दोनों बहनें एक टाइम पे प्रेग्नेंट हुई थी, क्योंकि उनके जो भी अच्छे अच्छे कपड़े थे मैंने सारे उठा लिए थे। हमको केक कटिंग भी करनी है। मैं नहा धो लू और मैं नहीं, ये मैंने ही कल बोला था कि अभी मत करो, मैं चाह रहा हूँ बाहर बिल्कुल साफ सुथरा हो जाए फिर करेंगे। पता क्या बोलते कि हमने रनर लगाएंगे टेबल को अच्छे से डेकोरेट। अरे हमने हाँ नई चीजें हमने जाने से पहले ली थी। मेरा सरप्राइज जो खराब किया है ना, यहाँ पे सब डेकोरेट होना था जब शिवानी दीदी। शिवानी हमने कुछ खराब नहीं किया, आप याद करो जब हमने ब्लू माउंटेन से कॉल की थी, इसको बताया शिवानी इसे मैंने और मैंने नैना को आंखें हाँ, दिखाई थी ऐसे और, हाँ, और मैं नहीं, मेरे को लगा भी कि तुमने इसकी तरफ आंखें मोड़ी अपनी हाँ, पर मैं कम, तब तुमने बोल भी दिया मजाक कर रही हूँ हाँ, और मैं तुम्हारी बातों पे हद। अरे इसका बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। और मुझे गुस्सा कहता कि तू शिवानी से नहीं छुपा सकती, वो कहीं ना कहीं से पता लगा लेगी और तू फंस जाएगी। पूछा मुझसे किसी ने, वो भी बोलते कि अभी तो मैं कम अभी एक हफ्ते बाद आने, और जब तक मैं घर आ रही तब तक आ चुके हैं। वो भी सोच रही होगी सगी बहन की। रजनी ने पहले आइडिया लगाई दिया था कि केक तो पक्का होगा ही होगा। केक तो छोटा सा हुआ ना, मतलब ऐसा होना था कि यहाँ पूरा मतलब पापा भी उस दिन वीडियो कॉल पे हंस हंस के बता रहे ऐसा किया इन्होंने। पापा हाँ मैं वही बोल रही, मैंने पापा को इस तरह हंसते हुए देखा कि इतने सालों में, कितने 8-9 सालों में मैं तो कभी देखा ही। शिवान दीदी बोलते बाकी हो नहीं आएगी। शिवान दीदी बोलते कि ये वहाँ के डिटर्जेंट की खुशबू है, किस चीज की यार बड़ी प्यारी सी खुशबू है। ये वेदा की खुशबू, मैंने वही कहा ये वेदा की खुशबू। इसको मत धोइयो यार, प्रिजर्व करने लायक चीज है। ये शायद तो पड़ोस से लगी हाँ, होगी ना साथ होगा। इसमें तो मुझे समझ नहीं आ रहा, बट इसमें तो पूरी पूरी, क्योंकि लास्ट दिन ना नैना ने पहनावा था हाँ। जब पकड़ी हुई थी ओवर टाइम कितना बढ़िया, मैं इसको इतना मिस कर कितनी खुशी हो रही मम्मी के हाथ का खाना मुझे पता है ये बहुत पसंद है, मतलब दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। आजकल मैं खूब वैसे इसको बोलते क्या है, उपमा फेवरेट ब्रेकफास्ट बोलते क्या है, बट दिस इज नॉट रेगुलर उपमा, ये मम्मी थोड़ा सा अलग बनाते हैं, मतलब थोड़ा सा नॉर्थ इंडियन स्टाइल उपमा है ये। बट मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तुम उपमा खाओ। ये कल शिवानी लाई थी जो वो है हाँ। हरी कैसी लग रही है सारी कड़ी होगी कड़ी मैंने जैसा कड़ी होगी वैसे ही हो गया है, तो कृष्णा वाला कड़ी साय करी या इतना बढ़िया हो गया, मतलब अंदर सेट हो गया, मतलब ये बाहर हॉल बिल्कुल साफ हो चुका है। ये लास्ट ने सारा रीअरेंज किया अपना, बेचारी मेरे लिए छोड़ दिया है कवर्ड पर है। जो छोटे बच्चों को करते है ना बोल बोल के। लाओ जी आओ जी आप भी आ जाओ, वेलकम बैक टू इंडिया। ये तो समझ बता, मैं प्लेट लाऊं? नहीं रुक जाओ, मैं इसी को बाहर निकाल देती हूँ। लो पकड़ो ये पकड़ो। एक केक कटिंग ऐसी होगी जहाँ पे जो गिफ्ट जो केक काट रहा है उसको गिफ्ट नहीं मिलेगा, बट जो कटवा रहा है हाँ उसको मिलेगा गिफ्ट जो कटवा रहा है। या चलो जी ब्लो द कैंडल्स। ये हैप्पी बर्थडे, वेलकम बैक, थैंक यू फॉर द Thank you for coming back. हमने सोचा इतना हमको केक खिला दिया तो कुछ तो दे ही देते इनको।
इतने दिनों से यार हम कैसे तड़पे हुए तड़पे हुए तो हम में उससे ज्यादा देने के लिए। मेरा तो ऐसा हो रहा था कि मैं वहीं से कनाडा से भी नैना ने मुझे रोका है वहां से कि तूने गलती से भी बताना नहीं है। और रजत को तो यही होता है मैं बता दूंगा क्या है कैसा है अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, मैं कहा खबरदार अगर तुमने बताया। तो शिवान दीदी आप ये तो हम कुछ नहीं लाए पर मम्मी पापा के लिए आए, बुरा मत मानना। शिवानी दिल पे पत्थर पापा सबसे पहले बैठे सबसे पहले पापा को ही देना पड़ेगा। अब शिवांती को शुभम जीजू का आपके पास ही देते या उनको तड़पाया जाए जब तक हम मिले ना। ये भाई मेरे को साइज करने लग रहा था पता, फिर मैंने पहन पहन के देखा और इसकी थोड़ी वो हाँ। अरे ये उनकी वाइफ के लिए दोनों ट्विनिंग करके जाना। अब ये भी मेरा ही है। हाँ शिवानी कायदे अनुसार ये आप ही कही है। हाँ क्योंकि आप ही आए हो टेक्निकली, जब नहीं आना चाहिए हुआ। सही बात है। यार थैंक यू सो मच। और ये ले यू नो शुभम कह रहे से तू मत मारियो क्लिपर है ये देख ले। शिवानी को डाउट ही हो रहा है। ये मैं ही रखूंगी, ये लेना के पास भी है सेम। हाँ मुझसे नहीं करना आपको मैचिंग शुभम पे कैसे करना। हाँ ये कम से कम दो महीने पहले का लिया हुआ है। तेरे लिए भी ले लिया था। हाँ तो तुमने बोला था उस टाइम पे कबूत क्या लाना तेरे लिए, मैं तभी समझ गई, मैं कहा ला चुके हैं इस टाइम ले चुके तभी इतना पूछ रहे। ये भी आप ही का ही है ये, मम्मी साइड बैग लेती है ना तो ये मैंने तीन लिया आपका मेरा और मम्मी का तीनों का सेम। क्या इंडिया पहुंच गई। हाँ लग गई खबर। पता लग गया था मेरे को, इसने देख रही थी ना मैं जा रही हूँ। अच्छा तो मिलने नहीं आना आपने। मिलने तो आ जाए नहीं दादी, हम फॉरेन से आए हैं ठीक है ना, हमसे मिलने आना पड़ता है। नमस्ते दादी। नमस्ते दादी। नमस्ते बेटा। नमस्ते आ गए ना वापिस है। आ गए पर हम भूल चुके हैं पुराने रिश्ते दादी, अब हम कनाडा में ही हमारे सारे रिश्ते बन चुके हैं। अगर अगर हमारे को याद दिलाना है तो मिलने आना पड़ेगा। फिर कुछ दिन रहना भी पड़ेगा हमारे पास। शिमला जाओ मिलने आ गए हम भाई। दादी शिमला में हूँ। शिमला है रे भाई। दादी कहाँ है? आप कहाँ हो? गाँव में। अल्लाह जी तो बताओ आप, आपने बोला शिमला आ जाओ, हम शिमला भी आ गए, अब शिमला में कब मिलने आ रहे हो ये बता दो। ओहो अरे मैंने नहीं सोचा था तुम आ गए, जब गोद में तेने वो लिया था ना बच्चा। हाँ नाम क्या तो उसका? रोने भी लगी थी तू। हाँ ऐसा ना मैं तो रोने लग के रोज ही, पता नहीं कैसे देखेंगी इसको, अब कोई पता नहीं है कैसे। तो क्या करना दादी, आप तो आए नहीं ख्याल रखने के लिए, अब ऐसे ही होगा। तो बेटे तो बोल रहे हो मैं का बच्चे को इनको कोई पता नहीं सता नहीं, मैं तो क्रोध में बच्चा तो रोते नहीं है बेटा इस तरह से। अच्छा बहुत गहरी टेंशन का माहौल है यहाँ पे। शीशे क्या के जा जाके देख रही है, इसको ऑप्शन मिला है कि तू ये वाला भी ले सकती है और ये वाला भी ले सकती है। शिवानी सबसे पहले मिलने आए तो इनको ये चॉइस तो मिलनी थी कि जो आपको पसंद आ रहा है वो रखो। और जब हम सामान ले भी रहे थे ना, रोजदी ने बोला था तुम ना शिवानी को सबसे पहले चॉइस देना, तुम्हारा पता नहीं लगता कि तुम चॉइस ही ना दो। मैं कहा ऐसा नहीं होगा उसको चॉइस। वैसे भी जब शिवानी सबसे पहले मिलने आए, इनकी मर्जी है, इनको जो अच्छा लगेगा वो उठा के ले जाएंगे। ये विन विन सिचुएशन है मेरे लिए। सोच नहीं, जब ये ब्लॉग लाइव आए और हमने ये दूसरा जिसको देना है उसको दे दिया हो और शिवानी उससे खींच में आ जाए, दे मेरा बैग लो। स्टाइलिस्ट बन जाओ। पापा इसके स्टाइलिस्ट है। पापा विच वन? पापा कह रहे छोटे वाला ले। चलो अब
मैं आज के लिए ये ले लेती हूं। उफ यार, हमारे घर में जो वैसे किसी ने हमको देखा कि हमने सारा सामान सेट कर दिया है, यहाँ से सब कुछ उठ गया है। सबने देखा रजत, सबने देखा। हाँ, सब कुछ। पापा आपकी पैंट रख दो है, ऐसे पड़ी है। चलो हम चल फिर पा रहे। केक तेरा गर्म हो गया? हाँ, यार नए फोन में बड़ी अच्छी वीडियो आ रही है भाई। हाँ, अच्छी वीडियो नहीं आ रही, अच्छी दिखती है। इस लड़की को पता नहीं क्या चाव चढ़ा है इसने। ये मुझे हमारी प्यारी बहन रजत की गॉड सिस्टर ने दिए थे। मैं ये तो चलो बहन नहीं, ननद हुई, उसने दिए थे शादी पे। मुझे बड़े अच्छे लगे थे वहाँ। इसको आज मतलब सुबह से मनाली के ट्रेडिशनल है, मेरे को बड़े अच्छे लगे थे। फिर मैं सोचती थी कि जब चूड़ा खोल दूंगी उसके बाद पहनूंगी, क्योंकि बहुत चौड़े चौड़े हैं यहाँ से। बट नहीं, इसे सूट के साथ पहनते और तूने आज इसको ऐसे। तो जब मन करे तब पहन लेती हूँ। सुबह से पहन के लगी है, मैं क्या देखना हाथ में ऐसे कहीं इसको डेंट लग जाए। पर हो रही हूँ ना, पिघला दिया है किसने किया? मम्मी केक की माँ बहन हो चुकी है, लेट चाय की। मम्मी लटक गया, मम्मी माँ बहन बचा रहे। पेट सब कुछ हो गया टेढ़ा, अब चमचों से खाओ, कटोरी में कुछ नहीं होएगा इसका। चम्मच लो और इसमें अपने अपना शेयर उठा के चलो। मम्मी पकड़ के रखो इसे, पैर पिघल रहा है, यहाँ से भी आने लग गया। देखो तो निकालो। लड़कियाँ ना लिपस्टिक लिपस्टिक इतनी करती ताकि मोटे दिखे, मोटे ने ना अपनी शक्ल देखे एक बार। मम्मी आप स्माइल कर दो, उधर उधर देख। मम्मी का फिर भी ठीक है, मम्मी का तो सही है। मम्मी स्माइल करो बस, आप एक बार। पर तू अपने होंठ देख नैना एक बार। मुंह साफ करके आप प्लीज। कर रही हूँ तो। सेलिब्रेशन डन, चलो खत्म हो गया। अब इसके लिए कर रहे इतना सा बचा है ना, अरे अब नहीं खा पाऊंगी मैं, कहीं इससे डबल ट्रिपल तो खा लिया दोनों ने। अब कर रही ड्रामे, नैना मुड़ मुड़ के दिखा। बैटिंग हो रही है, आप पैसे लगेंगे पर। तुम शिवानी को ये पकड़ाओ, मैं बाकी रख के आती हूँ सामान। उसमें मेरा वो स्वेटर भी है। और इसने अपना बाकी सामान ही भर दिया था इसमें। अच्छा। इसमें भरो। जो पहले मिला था वही वही लिया। वही LCBO की थैली है कनाडा वाले। कनाडा वाले कमेंट करो LCBO क्या है बताओ प्लीज। पापा की पैंट कर रही थी मैं आज ज़ारा पे है। देखो एक दो बार पहनने को पापा की पैंट भी। बचपन में मेरे मेरे बचपन में मेरी टी शर्ट्स पे होती थी इसकी नजर, अब पापा की पैंट पे। पर ये नहीं आएगी इससे, कुछ तो फायदा मिला। दिस इज वेरी गुड। सोच रात को बंदी उठी हुई, तू इसको कहीं लॉकर में डाली से नैना। कल का लॉक चला है, सबके हंस के बुरे हाल हो रहे। मम्मी को बिल्कुल आइडिया नहीं था। सुन, पापा के लिए बिस्किट बेकरी से ले। बेकरी बंद ना हो जाए तो कल ले लेंगे, अभी कुछ देख लो, मुझे नहीं पता। बाय द वे हम आए हैं ग्रोसरी लेने, बिकॉज़ हमारे घर पे ऑलमोस्ट सब कुछ ही हम खाली करके गए थे। रीस्टॉक करना है अभी। हाँ, तो कोई नीचे ढूंढ रहा है बैठ बैठ के नीचे। मैंने पहले गलत वाली राजमा उठा दी थी ना, फिर मैंने पूछा इनको। यार ये वाली ना पकती नहीं ढंग से। ये वो बड़ी वाली। अच्छा बड़ी वाली। किस ये वो बड़ी।
महिलाएं बच्ची बन गई तेरे को महिला बना दिया अपने पति के कपड़े चुराने वाली रेड राइस लेने पर वो यहाँ नहीं मिलेगा ना वो नहीं मिलेगा अब मैं करूँ यहाँ खड़े खड़े रह के कहाँ से अपने पति को बोल दूँगी इसकी गलती क्या गलती अच्छी हो रुकी जाते कैसे हो बढ़िया बढ़िया जी आप सुनाओ गांव में डटे हुए थे ना दिनों से क्या करें कहाँ जाए पापा आपको गिफ्ट नहीं मिलेगा गिफ्ट तो आपको अगर इतना ही खुशी हुई है तो चलो ना साथ ब्लॉक कर दिया मैंने पापा को ब्लॉक कर दिया मानते ही नहीं अब क्या करूँ मैं फिर बोलते कल आऊंगा मैं या तुम लोग ऐसे करना सब माल रोड पे आना बाहर डिनर करेंगे पापा कल चीफ डिनर का बता पापा कल चीफ गेस्ट बुलाए हैं एक्चुअली तो उसके लिए बड़ा एक्साइटेड हुए कि मेरे को ये कपड़े पहनने ऐसा करना वैसा करना है सारा सामान भी नहीं रखा इसलिए कह रहे कि अभी मुझे जाना था जितने तो ये भी ऑफर दी थी कि पापा मैं आपको अपना सूट दे दूंगा पापा को कहा पापा को ये था कि नहीं नहीं मुझे जाना है खाना बाहर से खा लिया है हाँ फिर मुझे बोलते वैसे तो नैना का बुरा भी लगता है आऊंगा तो आऊंगा मिलने में कर रहने दो आप नहीं आते इतने टाइम बाद आए हम और आप मिलने भी नहीं आ रहे बट यही होगा कि पापा को कल काम है इसलिए वो नहीं आ पाए अब कल ही मिलते हैं पापा से हमने तो पापा को बहुत लालच देने की कोशिश की कि आपको गिफ्ट भी देंगे आ जाओ आ जाओ वो अभी हम पापा के लिए कुछ स्नैक्स लेने आए थे बस ये भी दे दो हाँ ये वाला लो केंद्रीय आटा वाला सेक ये आटे वाले ना हाँ ओके किस किस को याद है मैं कनाडा में बोल रहा था कि घर तो औरत का ही होता है और मैंने पापा का जिक्र किया था हम गए थे सामान लेने और मैंने बोला मैं आकर रोटियां बनाऊंगी इसे सब्जी बनाकर गए थे पापा ने रोटियां बनाई है पर बेचारे बना दी सबके लिए सो गाइज अभी हमने डिनर कर लिया है और टाइम अभी ज्यादा नहीं हुआ बट इतनी ज्यादा नींद आ रही है ना कि जैसे बात करते करते पलक भी झपक रही हूँ तो ऐसा लग रहा है आंखें चिपक रही है वैसे तो जब भी हमसे कोई पूछता है तुमको जेट लैग हुआ है तो हम मना कर देते हैं बट जैसे हमको रात को जल्दी नींद ज्यादा आती है सुबह जल्दी नींद खुल जाती है आई गेस ऑब्वियसली जेट लैग ओनली और उससे मुझे सुबह से याद आया कि मेरी ना जब मम्मी से बात हुई थी सुबह तो मम्मी कहते कि तुम मुझे फोन क्यों नहीं कर रही आजकल मुझे लगा कि शायद तुम मुंबई आने वाले हो तो वो तो ऑफकोर्स अभी नहीं हो पाएगा बट बिकॉज हम थोड़े बिजी हो गए थे ना एक दो दिन से तो मैं मम्मी को कॉल नहीं कर पाई थी तो बेचारे मम्मी वहाँ अपना सोच रहे कि हम उनको सरप्राइज करने पहुंचेंगे सो आई डोंट नो शादी के बाद थोड़े बहुत चेंजेस तो आ ही जाते अब एक की जगह दो दो परिवार है दोनों जगह का सोचना होगा बट मुझे पता है कि अभी मम्मी के साथ रहते रहते मुझे इतने साल हो गए मम्मी को पता है कि मेरा क्या हिसाब किताब है अभी न्यू फैमिली को मुझे अपना ज्यादा से ज्यादा करने की उनके साथ रहने की जरूरत है ताकि वो भी जान सके कि मैं कैसी हूँ और आप लोग भी अब तो जान ही रहे होंगे कि हम कैसे हैं तो इसी नोट पे हम इस ब्लॉग को एंड करते हैं मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर बाय बाय सी यू सून